हाय फ्रेंड, मेरा नाम है रिजवान। तो आज करने वाले हैं होंडाई i20 के ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट। तो किस प्रोसेसर से रिप्लेसमेंट होंगे ब्रेक पैड, तो बताते हैं आपको। ब्रेक पैड यहाँ पे फिटेड होते हैं। ब्रेक पैड सबसे पहले आपको ये बोल्ट खोलना होगा 10 mm का ब्रेक पाइप का, और एक यहाँ पीछे से बोल्ट खोलना है 14 mm का। उससे पहले आपको ये पिस्टन पीछे की ओर दबाना होगा ताकि ब्रेक पैड आराम से बैठ सके। अगर ये पिस्टन बाहर होगा तो ब्रेक पैड नहीं बैठेंगे न्यू। इसके लिए आपको इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको दबा देना होगा, जो कि हमने ये पूरा दबा दिया है कम्प्लीट। उसके बाद में आपको ये पीछे एक बोल्ट खोलना होगा 14 mm का। फिर इसको ऊपर की तरफ आपको लीफर को ऊपर कर देना है। उसके बाद ये दो लॉक लगे हुए थे तार के, जो कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को निकाल लेना है, जो कि इसको दूर करने का काम करता है, नहीं तो चिपे हुए रहेंगे अगर ये स्प्रिंग नहीं होगा तो। एक यहाँ पे लॉक होता है, आपको दबाना होगा। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके ब्रेक पैड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरके डीजल गैरेज को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ओरिजिनल होंडाई जेन्युइन, ये ओरिजिनल होंडाई के हैं जेन्युइन पार्ट। जो कि ये कंप्लीट किट के साथ आते हैं ओरिजिनल होंडाई के, जो कि हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट करने वाले हैं ब्रेक पैड। निकाल दिया हमने ब्रेक पैड। और ये लॉक भी निकाल देने हैं, और ये लॉक में डालने हैं अपने को यहाँ। लॉक कंप्लीट अच्छे से देख के बिठाने होंगे आपको। ये दूसरा सब लॉक बिठा दिए हमने, और ये ब्रेक पैड आपको फिटिंग करने होंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको ये पत्ती लेनी होगी ऊपर इस तरीके से। इसमें दो तरीके के ब्रेक पैड होते हैं, जो कि ये देख सकते हो। इसमें ये बड़ा पतरा लगा हुआ है, और ये लगाना है आपको लेफ्ट साइड, और ये लगाना है राइट साइड। ये जो ब्रेक पैड अलर्ट यहाँ पे ब्लेड लगी होती है, जो कि ब्रेक पैड ख़त्म होने से पहले ये टकरा जाती है ब्लेड पे, जो कि नॉइस आता है, अपने को पता चल जाता है कि इसके ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके हैं। और ये लगाना पीछे की ओर, ये कंप्लीटली हमने बिठा दिए हैं ब्रेक पैड, देख सकते हो कंप्लीट कंप्लीट बैठ गए ब्रेक पैड। और ये देख सकते हो पहले में बिल्कुल घस चुके थे पहले वाले ब्रेक पैड, और ये न्यू देख सकते हो इतना फर्क है इसमें। और ये देखो ये पुराना है, ये नया है। और इस तरीके से आपको बिठाने होंगे ब्रेक पैड, और ये कंप्लीट हमने बिठा दिए। वापस से क्लिफर को नीचे कर देना है,
थोड़ा अभी भी पिस्टन बाहर है, पिस्टन को वापस अंदर दबाना होगा। पिस्टन फ्री होना चाहिए। ये कंप्लीट बैठ गए और वापस ये बोल्ट यहाँ बिठाना है। उससे पहले आपको ये देख लेना एकदम फ्री है, फ्री हो गया। उसके बाद इसकी लगानी आपको स्प्रिंग, जो कि ये स्प्रिंग पहले निकाली थी, और ये स्प्रिंग लगा लेनी है। स्प्रिंग का काम होता है फ्रेंड, ये प्लेट से दूर करने का काम करती है। स्प्रिंग का काम करती है ये तार, जो कि हमने कंप्लीट लगा दी है। और एक दूसरी भी लगानी है नीचे, ये कंप्लीट लगा ली है। इस तरीके से वापस आपको बिठा देना होगा ये क्लिपर। ये 14 mm का पीछे आपको एक बोल्ट लगाना है, और एक ये आपको यहाँ 10 mm का बोल्ट लगाना है, जो कि ब्रेक पाइप का है। ये कम्प्लीटली कर दिए ब्रेक पाइप प्लेसमेंट, और ये बोल्ट आपको टाइट करके लेना होगा। इसी रीजन से होते हैं चेंज ब्रेक पैड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी i20।